उत्तराखंड पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। श्रीनगर गढ़वाल में कांग्रेस नेता महेंद्र राणा की पत्नी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने वीणा राणा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई और इस दौरान वीणा राणा ने कहा कि उनके पति के विचार अलग है लेकिन वो पीएम मोदी के कार्यों से प्रभावित है जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। बड़ी खबर, पंचायत चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता महेंद्र राणा की पत्नी का बीजेपी में जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पति की विचारधारा अलग है लेकिन मैं मोदी जी के कामों से प्रभावित हूं। देखिए, मेरे पति जी अपनी अलग विचारधारा है और मेरी अपनी विचारधारा है। मैं आज की स्वतंत्र नारी हूँ। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हस्बैंड दूसरी पार्टी के नहीं हो सकते और वाइफ दूसरी पार्टी की नहीं हो सकती। मोदी जी के कार्यों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। देखिए, मेरे पति जी अपनी अलग विचारधारा है और मेरी अपनी विचारधारा है। मैं आपसे पिछले कई समय से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आप हमेशा बोलते थे कि माननीय विधायक जी, मैं मोदी जी से बड़ी प्रभावित हूँ। मोदी जी ने जो दबे कुचले अनुसूचित जाति के लोगों के लिए और खासकर महिलाओं के लिए जो किया है, उससे मैं जो है कि भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी प्रभावित हूँ। और ये जानते हुए भी कि आपके जो पति हैं एक कद्दावर नेता हैं कलजी खाल में, इसके बाद भी आपने ये कहा है कि नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, आदरणीय मोदी जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मोदी जी से प्रभावित होकर आपने जो है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो बड़ी खबर, बड़ा झटका कांग्रेस को उत्तराखंड पंचायत चुनाव से पहले। कांग्रेस के नेता महेंद्र राणा की पत्नी बीजेपी में शामिल हो गई हैं और बीजेपी में आने की वजह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होना बताया। जी मीडिया संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामानुज, ये झटका माना जाए कांग्रेस के लिए बड़ा, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं और जिनकी पत्नियां बीजेपी में शामिल हो गई हैं, क्या कुछ सियासत में देखने को मिल रहा है? रामानुज, आवाज मिल रही है आपको? जी, ये बड़ा झटका माना जाए कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका भी है और उस वक्त में जब पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव की बिल्कुल तारीख करीब आ चुकी है, यानी कि अब 5 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है और इस तरह से शहरी क्षेत्रों में अगर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भाजपा में शामिल होते हैं तो इसे कांग्रेस पार्टी के लिए करारा झटका भी है और उन तमाम जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए भी निराशा भरा कदम है, क्योंकि इससे कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है चुनाव में। और आपने देखा कि चूंकि 3 चरणों में पूरे प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है और पहला चरण 5 अक्टूबर को, दूसरा चरण 11 को, तीसरे 16 अक्टूबर को मतदान होगा, 21 अक्टूबर को मतगणना होगी, तो पूरी तरह से कांग्रेस और भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो तैयार है और इस मौजूदा हालात में अगर कांग्रेस पार्टी के इतनी भारी संख्या में कार्यकर्ता कद्दावर नेता भाजपा में शामिल होते हैं तो यकीनन ये पौड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है, और पौड़ी का क्षेत्र सिर्फ इसलिए ही महत्वपूर्ण नहीं है कि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का क्षेत्र है, बल्कि पौड़ी गढ़वाल की एक सियासत की सबसे बड़ी कड़ी है। यहीं से चाहे वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कई कद्दावर नेताओं का यहाँ आवास भी है, उनका ये डिस्ट्रिक्ट है। चूंकि कांग्रेस नेता की पत्नी बीजेपी में शामिल हुई है तो क्या वाकई में इसमें राजनीति में कुछ प्रभाव पड़ेगा या पति जो कि कांग्रेस में है उनकी राजनीति पर कुछ असर पड़ेगा? कितना बड़ा राजनीतिक कद है या फिर राजनीति में पहली शुरुआत होने जा रही है इनकी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता शामिल हुए हैं इनके कद की बात है, चूंकि ब्लॉक प्रमुख स्तर का जो नेता होता है अपने क्षेत्र में भारी संख्या की जो ग्राम पंचायतें होती हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, उनके बीच में बड़ी पैठ होती है। इस ब्लॉक प्रमुख में जिला पंचायत सदस्य ब्लॉक प्रमुख सदस्य होते हैं, तो यकीनन आसपास के जो इलाका। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस झटके के बाद कांग्रेस कैसे उभरती है और पंचायत चुनाव के ठीक पहले ही झटका लगा है, क्या वाकई में इसका असर पड़ेगा। शुक्रिया आपका रामानुज जानकारी के लिए।